بسم الله الرحمن الرحيم फर्स्ट ईयर फिजिक्स फर्स्ट लेक्चर हम शुरू करते हैं। ये हमारे पास है यूनिट्स और डायमेंशन। तो सबसे पहले बेसिक यूनिट्स हमारे पास और डायमेंशन मास किलोग्राम और इसका कैपिटल एम टाइम सेकंड, कैपिटल टी लेंथ मीटर और इसका डायमेंशन होता है कैपिटल एल। और ये बात याद रखें, इनकी ब्रैकेट लाजमी लिखनी है वरना ये गलत होगा। तो ये तीन हमारे पास डायमेंशन है, इन तीन की बेस पे आगे सारे हम करेंगे डायमेंशन को। अब वेलोसिटी है, वेलोसिटी का यूनिट होता है मीटर पर सेकंड। तो मीटर के लिए अभी हमने लिखा था कैपिटल एल होता है, सेकंड के लिए टी। तो टी जिसकी पावर पूछना हो प्लस वन, जब ये ऊपर जाएगा तो क्या होगा माइनस वन। तो एल टी माइनस वन ये वेलोसिटी का डायमेंशन है और इसका यूनिट है मीटर पर सेकेंड। इसके बाद हमारे पास है एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन का यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड का स्केयर। तो मीटर के लिए कैपिटल एल लिखते हैं और सेकंड के लिए टी, और इसके ऊपर जो स्केयर है वैसे का वैसे, जब ये ऊपर पावर जाती है तो क्या होगी माइनस टू। और एक्सेलरेशन का डायमेंशन हमारे पास एल टी माइनस टू और इसका यूनिट हमारे पास मीटर पर सेकंड का स्केयर। इसके बाद हमारे पास है नेक्स्ट एरिया, एरिया का यूनिट होता है मीटर का स्केयर। तो मीटर के लिए एल और इसके ऊपर स्केयर था वो वैसे का वैसे। वॉल्यूम, वॉल्यूम का यूनिट होता है मीटर का क्यूब। तो मीटर के लिए हम लिखते हैं एल और इसके ऊपर थ्री वैसे क्या वैसे। इसके बाद हमारे पास है डेंसिटी, डेंसिटी का बराह रास्त हमारे पास डिमेंशन नहीं है तो इसका हम यूनिट लिखते हैं। यूनिट होता है, पहले फार्मूला लिख लेते हैं मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो मास के यूनिट किलोग्राम, वॉल्यूम का मीटर का क्यूब। किलोग्राम के लिए हम एम लिखते हैं, मीटर का क्यूब मीटर के लिए एल, इसके ऊपर थ्री, जब ये ओवर से ऊपर जाएगा तो एल एम एल की माइनस थ्री। इसके बाद हमारे पास है नेक्स्ट फोर्स, फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन। तो अब न्यूटन का हमारे पास डायमेंशन नहीं है तो इसका फार्मूला लिखते हैं एफ इज इक्वल टू एम ए। मास का यूनिट होता है किलोग्राम, एक्सेलरेशन ए का होता है मीटर पर सेकेंड का स्केयर। तो मास के लिए हम डायमेंशन लिखते हैं एम, मीटर के लिए एल, सेकंड का स्केयर। तो सेकंड के लिए हम टी लिखते हैं, इसके ऊपर स्केयर वैसे का वैसे, जब ये ऊपर जाएगा तो हमारे पास एम एल टी की माइनस टू। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है वर्ग। अब वर्ग का यूनिट होता है जौल, जौल का भी हमारे पास डायमेंशन नहीं है क्योंकि हम इन तीन यूनिट्स में डायमेंशन लिखेंगे। तो हमारे पास इसका फार्मूला लिख लेते हैं एफ डी। तो फोर्स का यूनिट न्यूटन, मास का फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन, ये डिस्टेंस है, ये मास नहीं है, डिस्टेंस का यूनिट होता है मीटर। तो न्यूटन मीटर, अब न्यूटन के लिए हम क्या लिखेंगे, ये देखो एफ इज इक्वल टू एम ए, फोर्स का यूनिट न्यूटन, न्यूटन किसके इक्वल होगा किलोग्राम मीटर पर सेकंड का स्केयर। तो अब इस न्यूटन की जगह पे न्यूटन की हमने वैल्यू पुट कर दी किलोग्राम मीटर पर सेकंड का स्केयर, और ये वाला मीटर वैसे का वैसे, मीटर को मीटर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा मीटर का स्केयर। तो अब किलोग्राम के लिए हम क्या लिखते हैं, कैपिटल एम मीटर का स्केयर, एल का स्केयर, सेकंड का स्केयर, तो सेकंड के लिए टी की टू, जब ये ऊपर जाएगा ओवर से तो टी की माइनस टू। अब हमारे पास वर्ग का जो डायमेंशन है एम एल का स्केयर टी की माइनस टू। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है प्रेशर। तो प्रेशर का यूनिट पास्कल भी होता है। तो अब प्रेशर का बराह रास्त हमारे पास डायमेंशन नहीं है, इसका हम फार्मूला लिखते हैं फोर्स पर यूनिट एरिया। तो फोर्स का यूनिट क्या होता है न्यूटन, एरिया का मीटर का स्केयर। अब देखो न्यूटन हमारे पास किसके इक्वल है किलोग्राम मीटर पर सेकंड का स्केयर, तो इस न्यूटन की जगह पे न्यूटन की वैल्यू पुट कर दी, ये मीटर का स्केयर, ये यहाँ पे वैसे का वैसे आ जाता है। अब इसके बाद देखो किलोग्राम वैसे का वैसे, मीटर से मीटर कैंसिल, तो सेकंड का स्केयर वैसे का वैसे, एक मीटर कैंसिल हो गया था, एक मीटर हमारे पास बच गया। तो अब किलोग्राम के लिए कैपिटल एम, सेकंड के लिए कैपिटल टी, इसका स्केयर मीटर के लिए कैपिटल एल। अब जब ये ऊपर लेके जाते हैं एम एल की प्लस वन, ऊपर जाएगा तो माइनस वन, टी की माइनस वन। इसके बाद हमारे पास है मोमेंटम। तो पी इज इक्वल टू एम वी, मास का यूनिट होता है किलोग्राम, वेलोसिटी का मीटर पर सेकेंड। तो किलोग्राम के लिए कैपिटल एम, मीटर के लिए कैपिटल एल, सेकेंड के लिए टी। तो जब ये टी ऊपर जाता है तो क्या आता है एम एल टी की माइनस वन। इसके बाद हमारे पास है थर्टीन पे पावर। तो अब पावर का वैसे यूनिट होता है वाट, लेकिन हमने डायमेंशन फाइंड करना है। तो डायमेंशन के लिए हम क्या करेंगे, वर्क ओवर टाइम। वर्क का यूनिट क्या होता है जौल और टाइम का सेकंड। अब जौल किसके इक्वल है, ये देखो एफ डी। तो फोर्स का न्यूटन, डिस्टेंस का मीटर। तो अब जौल की जगह पे हम इसकी वैल्यू पुट कर दें न्यूटन मीटर ओवर सेकेंड वैसे का वैसे।
अब न्यूटन की जगह पे न्यूटन की वैल्यू ये जो हमने पुट की है किलोग्राम मीटर पर सेकंड का स्क्वायर, और ये वाला मीटर और सेकंड वैसे का वैसे, मीटर को मीटर से मल्टीप्लाई करेंगे, मीटर का स्क्वायर सेकंड का स्क्वायर और ये वाला सेकंड, तो ये होगा सेकंड का क्यूब। तो किलोग्राम मीटर के लिए एल, एल का स्क्वायर सेकंड का क्यूब, इसके लिए टी की थ्री, तो ये हमारे पास बन जाते हैं एम एल का स्क्वायर टी की -3। तो इसका नेक्स्ट जो डायमेंशन है वो नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे। अल्लाह हाफिज़।